नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। आज की इस वीडियो में यूपी पुलिस, एमपी पुलिस, दिल्ली पुलिस और बिहार पुलिस में पूछे जाने वाले साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूँ। तो आप लोग हमारे इस प्रैक्टिस सेट को पूरा करिएगा। प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको बताना है कि आपने हमारे इस प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न सही किए और आपको ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगा। अगर आप जो लोग दिन रात मेहनत करके अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप जो लोग हमारे इस प्रैक्टिस सेट में जितने भी प्रश्न हो उसका कम से कम आपको 50% स्कोर जरूर करना। अगर आप 50% स्कोर नहीं करते हैं तो आप अभी मन लगा के तैयारी नहीं कर रहे, अभी आपको और तैयारी करने की ज़रूरत है। प्रैक्टिस सेट पसंद आता है तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्रैक्टिस सेट को आप अपने सभी छोटे भाइयों बहनों को जरूर शेयर कर देना, जिससे वो भी लोग प्रैक्टिस सेट को लगाएं और उन्हें भी अपनी तैयारी का पता लग जाए कि उनकी तैयारी जिस भी एग्ज़ाम की वो तैयारी कर रहे हैं उसके लिए उनकी साइंस की तैयारी कितनी हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना साइंस का महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट नंबर 33। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि ट्रांसफार्मर द्वारा, तो क्या किया जाता है ट्रांसफार्मर के द्वारा ये आपको बताना है। तो क्या होता है ट्रांसफार्मर के द्वारा, तो ट्रांसफार्मर के द्वारा होता है एसी वोल्टता का उच्चयन होता है। क्या एसी वोल्टता का उच्चयन होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि फ्यूज के तार का पदार्थ, तो किसका बना होता है फ्यूज के तार का पदार्थ ये आपको बताना है। तो ये बना होता है निम्न गलनांक का होना चाहिए, क्योंकि फ्यूज का तार का पदार्थ निम्न गलनांक का होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा है विद्युत बल्ब का फिलामेंट, तो किसका बना होता है विद्युत बल्ब का फिलामेंट ये आपको बताना है। तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट ये बना होता है टंगस्टन का। किसका? टंगस्टन का बना होता है विद्युत बल्ब का फिलामेंट, ऑप्शन नंबर टी इसका राइट आंसर हो जाएगा। परमाणु प्रभावी की त्रिज्या तो कितनी होती है परमाणु प्रभावी की त्रिज्या, तो इसकी त्रिज्या होती है 10^-10 मीटर होती है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी की आयु का आकलन, तो पृथ्वी की आयु का आकलन किससे किया जाता है ये आपको बताना है। तो पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है यूरेनियम काल निर्धारण से किया जाता है। किसे? यूरेनियम काल निर्धारण से किया जाता है पृथ्वी की आयु का आकलन, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि सूर्य में अत्यधिक ऊर्जा की प्रक्रिया का नाम, तो क्या है सूर्य में अत्यधिक ऊर्जा की प्रक्रिया का नाम ये आपको बताना है। तो ये है नाभिकीय संलयन। क्या है? अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि सूर्य के अलावा पृथ्वी के निकटतम तारे से प्रकाश को पृथ्वी तक आने में लगने वाला समय, तो कितना समय लगता है सूर्य के अलावा पृथ्वी के निकटतम तारे से प्रकाश को पृथ्वी तक आने में समय, तो ये लगता है 4.2 वर्ष। कितने? 4.2 वर्ष लगता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बलायुक्त ग्रह का नाम है, तो बलायुक्त ग्रह का नाम क्या ये आपको बताना है। तो बलायुक्त ग्रह का नाम है शनि। क्या है? शनि है बलायुक्त ग्रह का नाम, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश का पूर्ण रूप से सीधी रेखा में ना चलना कहलाता है, तो क्या कहलाता है? प्रकाश का पूर्ण रूप से सीधी रेखा में ना चलना, तो क्या कहलाता? तो ये कहलाता है अपवर्तन। क्या? अपवर्तन कहलाता है प्रकाश का पूर्ण रूप से सीधी रेखा में ना चलना, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह है, तो कौन सा ग्रह है जिसके सबसे अधिक उपग्रह हैं? तो ये है शनि ग्रह। कौन सा? शनि है सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि हमें सदैव चंद्रमा का एक ही पार्श्व दिखाई देने का कारण है, तो क्या कारण है कि चंद्रमा का हमें एक ही पार्श्व दिखाई देता है? तो ऑप्शन देख लीजिएगा आप, उसका राइट आंसर आप बताइएगा। तीन ही ऑप्शन में आपको राइट आंसर पता चल जाएगा। तो ये है चंद्रमा
कि अपने अक्ष पर घूर्णन की अवधि पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा अवधि के बराबर होना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि स्वच्छ रात्रि में आंख से बिना किसी यंत्र की सहायता से दिखाई पड़ने वाले तारों की संख्या, तो कितनी है तारों की संख्या ये आपको बताना है। तो ये तारों की संख्या है 3000। कितनी है 3000 है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि रेगिस्तान में बादल नीचे नहीं आते हैं, तो क्यों नहीं आते रेगिस्तान में बादल नीचे ये आपको बताना। तो रेगिस्तान में बादल नीचे नहीं आने का कारण है ये है कम नमी के कारण बादल नीचे नहीं आते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ग्रहों के चंद्रमाओं में सबसे बड़ा है, तो ग्रहों के चंद्रमाओं में सबसे बड़ा कौन सा है ये आपको बताना है। तो ये है बृहस्पति का गैनीमीड चंद्रमा है। बृहस्पति का गैनीमीड चंद्रमा सबसे बड़ा है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि एसी को डीसी में परिवर्तित करने की युक्ति कहलाती है, तो क्या कहलाती है एसी को डीसी में परिवर्तित करने की युक्ति या उपकरण, तो ये कहलाता है दिष्टकारी। क्या दिष्टकारी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि रात्रि में आकाश में कौन सा ग्रह सबसे अधिक प्रभामय प्रतीत होता है, तो कौन सा ग्रह सबसे अधिक प्रभामय प्रतीत होता है रात्रि में, तो ये होता है शुक्र ग्रह। कौन सा शुक्र ग्रह सबसे अधिक प्रभामय प्रतीत होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंतरिक्ष यान में पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए यात्री का भार, तो यात्री का भार कितना होगा जब वह अंतरिक्ष यान में पृथ्वी की परिक्रमा करता है, तो इसका भार हो जाएगा शून्य। क्या शून्य होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि वर्ण का संबंध है, तो किससे है वर्ण का संबंध ये आपको बताना है। तो वर्ण जिसे हम रंग कहते हैं, तो रंग का संबंध है वेग से। किससे है वेग से है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रैक्टिस सेट पसंद आ रहा तो इसे आप लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि रंगीन टीवी के पर्दे पर विभिन्न रंग किन प्रकाश रंगों के मिश्रण से प्रदर्शित होते हैं, तो ये किन रंगों के मिश्रण से होते हैं ये आपको बताना। तो ये होते हैं लाल हरा और नीला रंग के मिश्रण से। किससे लाल हरा और नीला रंग के मिश्रण से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि निम्न में से कौन सी सदिश नहीं है, तो बताइए कि इनमें से कौन सी सदिश नहीं है। तो कौन सी नहीं है सदिश, तो ये है ऊर्जा। ऊर्जा ये सदिश राशि नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तूफान की भविष्यवाणी की जाती है जब वायुमंडलीय दाब, तो कैसा हो जाता है वायुमंडलीय दाब जिससे पता चल जाता है कि तूफान आने वाला है, तो ये तूफान अचानक वायुमंडलीय दाब दबाव अचानक गिरता है। क्या वायुमंडलीय दाब अचानक गिरता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है, तो क्या उत्सर्जित करता है कोबाल्ट 60 आमतौर पर, तो यह उत्सर्जित करता है गामा किरण। कौन सी ये गामा किरण उत्सर्जित करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश के वेग की तुलना में रेडियो तरंगों का वेग, तो कैसा होता है प्रकाश के वेग की तुलना में रेडियो तरंगों का वेग, तो ये होता है एक समान होता है। कैसा एक समान होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि जल के हिमीकरण होने पर इसका ताप, तो जल के हिमीकरण होने पर इसका ताप कैसा हो जाएगा ये आपको बताना है। तो इसका ताप कम होता है। कैसा होता है कम होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। केपलर ने खोज कर ज्ञात किया कि ग्रहों के परिक्रमा की कक्षाओं की आकृति है, तो कैसी है ग्रहों की कक्षा की आकृति ये आपको बताना है। तो ग्रह के कक्षाओं की आकृति है दीर्घवृत्तीय। किसी है दीर्घवृत्तीय। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंतरिक्ष यान के उच्च परिक्रमा कक्ष से निम्न कक्ष में आने पर उसका वेग, तो कैसा हो जाएगा उसका वेग आपको ये बताना है। तो उसका वेग कम हो जाता है। कैसा होता
अंतरिक्ष यान के उच्च परिक्रमा कक्ष से निम्न कक्ष में आने पर उसका वेग कम हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि हमारी पृथ्वी के द्रव्यमान आकार एवं घनत्व के समान ग्रह हैं। तो हमारे पृथ्वी के द्रव्यमान आकार एवं घनत्व के समान कौन सा दूसरा ग्रह है? तो भूग्रह है, शुक्र ग्रह है। कौन सा? शुक्र ग्रह है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने प्रैक्टिस सेट का लास्ट प्रश्न है आज के कि किस ग्रह की चट्टानों की संभावना जल पर तैरने की है? तो किस ग्रह की चट्टानों की संभावना जल पर तैरने की? तो ये है शनि ग्रह की चट्टानों की जल पर तैरने की। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब आप बताएं कि आपने हमारे इस प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न सही किए हैं और ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा। प्रैक्टिस सेट पसंद आया हो तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ईमानदारी के साथ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और चैनल को आपको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना है जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपको लगातार ऐसे ही प्रैक्टिस सेट लाता रहूँ जिससे आपकी तैयारी और भी मजबूत हो जाए। मिलते हैं अपन नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद प्यारे साथियों।